गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फोर्थ क्लास का हिंदी पढ़ेंगे, पार्ट थ्री। पार्ट का नाम है रविंद्र की कलम से। ये लिखा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर का है। जब रविंद्रनाथ छोटे थे तभी से वो कुछ ना कुछ कहानी छोटे छोटे लिखा करते थे। बाद में उन्होंने उपन्यास, बहुत सारी कहानियाँ लिखे हैं, पुस्तकें लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने आसपास कई चीज़ें देखते हैं, लोगों की कुछ आदतें, उनके काम, उनकी बातें आदि, जो हम लोग को अच्छा लगता है उनको हम करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। जो अच्छा नहीं लगता हम क्या करते हैं, इस पाठ में पढ़ेंगे। वो बताते हैं कि हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बहुत बड़े बड़े थे, कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। जब पतंग उड़ाते थे तो जब चिड़िया आकाश में उड़ती थी तो हम लोग देखते थे तो ऐसा मानो लगता था कि चिड़िया हमारे पतंग से मुकाबला कर रही है, यानी बराबरी कर रही है पतंगों को। लेकिन उन दिनों क्या था, आसपास के घर के लोग चिड़ियों पालने का शौक था। वो लोग रंग बिरंगे चिड़िया पकड़ पकड़ करके एक पिंजरे में पाल रहे थे। लेकिन चिड़िया तो नीली आकाश में घूमने वाली है, विचरण करने वाली है, वो कैद होना नहीं चाहती है। जब उनको लोग पकड़ के कैद कर लेते थे तो वो पंख फड़फड़ाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। अब देखिए किस तरह से इस पाठ में दिखाया गया है, चीखती है और चिल्लाती है, बंद है कर लिए हैं लोग। उनकी एक भाभी थी, मझली भाभी, उनको भी चिड़िया पालने का शौक था। वो भी बोली कि हम चिड़िया पालेंगे। तो मैंने भाभी को मना किया कि चिड़िया नहीं पालते हैं, चिड़िया तो स्वतंत्र रहना चाहती है। उन्होंने बोला कि नहीं हम पालेंगे। उन्होंने बाजार से रंग बिरंगी चिड़िया खरीद ली, एक पिंजरे में पाल ली, और कुछ मोहल्ले के औरतें जुट करके एक दूसरे को दिखा रही थी, बहुत हंस रही थी लोग। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बोल रहा था भाभी से कि इसको उड़ा दीजिए, लेकिन वो मेरे बात नहीं सुने कि तुम छोटा हो अभी क्या जानोगे। फिर मैं सोच रहा था कि किसी न किसी दिन मैं चिड़िया को स्वतंत्र जरूर करूंगा। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गई। मैं उनके कमरे में गया और पिंजरे का दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल करके एक एक चिड़िया को पकड़ पकड़ के बाहर उड़ा दिया, स्वतंत्र कर दिया। पिंजरा बिल्कुल खाली हो गया। जब भाभी उधर से आई तो मुझे बहुत डांट लगाई। मैं चुपचाप रहा, डांट खा लिया, और सभी कोई घर वाले भी डांट लगा रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप इसलिए रहा, मन तो मेरा खुश था कि मैं सभी चिड़ियों को आज़ाद कर दिया। मैं ये भी सोच रहा था कि काश मैं अपने पड़ोसी के घर भी चिड़िया को सब उनके पंजरे में जो चिड़िया टंगी हुई है, लटकी हुई है बरामदे में, उनको भी उड़ा पाता, मैं कितना खुश होता। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चिड़िया को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, चिड़िया स्वतंत्र रहना चाहती है और स्वतंत्र उड़ना चाहती है। थैंक यू।